से देवर, हर कोई लेता फेवर, अपनी अप्रोच ऊंची, हम दुनिया का बॉस, बॉस, हम लाइफ का बॉस, लाहौर का सिक्का बॉस, हर जमीन पर जैसे देवर, हर कोई लेता फेवर, अपनी अप्रोच ऊंची। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمل ناڈو کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب اقبال صاحب جناب وکیل صاحب तमिलनाडु के एमआईएम पार्टी के प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और तमाम मेंबर्स बेंगलुरु के एमआईएम पार्टी के सदर जनाब इब्राहिम साहब एमआईएम पार्टी की तरफ से तमिलनाडु के इंचार्ज मेरे भाई जनाब तैयब साहब मौजी सामरी ने कराम बुजुर्गान मिलत उलमाए कराम नौजवान साथियों मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने मुझे आपके इस शहर में आने का मौका अता किया और ये मेरी खुशकिस्मती है और ये मेरे लिए बाइज़ इज्जत है कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी कुछ बात कर रहा हूं। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आप यहां पर आए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, मगर जरूर आप तमाम का यहां पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि यहां पर मुस्लिम अखलियत की एक सियासी आवाज की एक सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी कुव्वत बनकर उभरे। मैं वामनवादी के तमाम जिम्मेदारों से बुजुर्गों से मेरे नौजवान साथियों से मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों से इस बात का वादा कर रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी पहली मर्तबा वामनवाड़ी को आया है, यह आखिरी मर्तबा नहीं होगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा बार बार आता हूं और इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि कमजोर तबकात को चाहे वो मुसलमान हो या दलित हो इन तमाम को इनका हुकूक मिले इनका हक मिले। और अल्लाह सुबहाना व ताला जब तक असदुद्दीन ओवैसी के जिस्म में आखिरी सांस को बरकरार रखेगा मैं ये जद्दोजहद जारी रखूंगा अपनी कोशिश करता रहूंगा। कामयाबी देना अल्लाह का काम है, कोशिश करना हमारे हाथ में, हम कोशिश करेंगे पूरे अखलास के साथ जुदहद करेंगे और जो काम खालिस अल्लाह के लिए किया जाता है जिसमें अखलास होगा जिसमें जुस्तजू करेंगे अगर आप मेहनत और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे तो यकीनन अल्लाह सुबहाना व ताला आपको और हमको जरूर इस सफर में कामयाबी से हमकिनार करेगा। मैं यहां पर उस शख्सियत का नाम लिए बगैर
अपनी बात को आगे नहीं ले जा सकता जिसने हिंदुस्तान के इस मजलूम कौम को एक पैगाम दिया था और ऐसे वक्त में पैगाम दिया जब मुल्क को आजादी तो मिल चुकी थी, मुल्क के दो टुकड़े भी कर दिए गए थे और जिस वक्त हम परेशान थे, जिस वक्त हम फिक्रमंद थे कि हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा, ऐसे वक्त में कायदे मिल्लत हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हम तमाम को यह पैगाम दिया कि मुल्क आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान में हमको अगर हमारे मसाइल को हल करवाना है, इनजस्टिस का खात्मा करना है, नौजवानों का मुस्तकबिल को अगर अच्छा करना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना है, हमको अपने मजहब पर पूरे अजम और विकार के साथ अगर चलना है तो हजरत इस्माइल ने हमसे क्या कहा कि एक सियासी ताकत बनो, एक पॉलिटिकल फोर्स बनो। और वही काम सरजमीन दखन पर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया, उसको रिवाइव किया। जिस वक्त हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ये बात कह रहे थे उसी के चंद साल बाद हैदराबाद में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इस बात को दोहराया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया गया और करीब 60 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हिंदुस्तान की जमहूरियत पर अटूट भरोसा है। हमारी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं थी ना कभी रहेगी, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के 90% आवाम के हुकूक और उनके इंसाफ के लिए है। जो 10% आवाम जो हिंदुस्तान के इख्तदार की कुर्सियों पर जालिम की तरह कब्जा कर बैठकर मजलूमों को उनका हक नहीं दे रहे हैं, हमारी लड़ाई उन 90% आवाम के लिए है जो आज तड़प रही है, तरस रही है इंसाफ के लिए। और आज उस आवाम को इंसाफ दिलाना हम तमाम की हम जिम्मेदारी है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये मजलिस पार्टी का पैगाम है। मजलिस क्या चाहती है कि मुस्लिम अकलियत के साथ साथ दलित तबके को भी इंसाफ मिले। बाबा साहेब अंबेडकर के उस ख्वाब को पूरा करना है सोशल जस्टिस का, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट अगर हम पूरा देखना चाहते हैं तो जरूर जरूरी है कि हम एक पॉलिटिकल फोर्स बने। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम एक सियासी ताकत बने। हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब जो था उसको पूरा करना है। कोई हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत देकर यह नहीं कह सकता कि मैं इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का काम कर रहा हूं। हमको एक पॉलिटिकल फोर्स बनना है, मुस्तकबिल के फैसले हम करेंगे। आज मुल्क को आजाद होकर करीब 70 साल का एक लंबा अरसा हो चुका और बार बार हमसे यह कहा गया कि देखो तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसले, तुम्हारे फ्यूचर के डिसीजंस हम लेंगे, तुम हमारे साथ रहो। हमने उन तमाम का आज बनकर भरोसा किया, मगर मेरे भाई हमने क्या हासिल किया? इन तमाम ने हमारा वोट तो हासिल किया, हमारे वोट की बिना पर इख्तदार की कुर्सियों पर बैठ गए, इनको पावर मिला, ये चीफ मिनिस्टर बने, ये प्राइम मिनिस्टर बने, बड़े बड़े मिनिस्टर बने, मगर हमको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर पर, स्पीच पर कहते हैं कि इस शख्स भड़काऊ भाषण देता। मैं आपके सामने वो बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनकर बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, मगर मेरी बात का जवाब देने के लिए किसी के पास दलाइल नहीं है, फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है।
स्ट्रक्चर कमेटी के हवाले से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के इख्तदार पर जिस पार्टियों का कब्जा रहा, तमिलनाडु में मुख्तलिफ पार्टियां इख्तदार पर रही, बताइए आपने हमसे इंसाफ किया या नहीं किया। मैं कोई मिक्सर ग्राइंडर फ्री में देने की बात नहीं कर रहा हूं, मिक्सर ग्राइंडर से यकीनन घर में कुछ फायदा हो जाएगा, मगर क्या मिक्सर ग्राइंडर से नौजवानों के ख्वाब पूरे होंगे? क्या मिक्सर ग्राइंडर से हमार को रोजगार मिलेगा? क्या मिक्सर ग्राइंडर देने से या कोई और आकर कहेगा फ्री में ये ले लो? मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना वोट फ्री में मत दो, आपके वोट की कीमत है, आपके वोट की अहमियत है और उस वोट की एक ताकत है। अगर आप अपनी ताकत को समझेंगे तो मिक्सर ग्राइंडर की जगह आपको घर ला कर देंगे, मिक्सर ग्राइंडर की जगह आपको तमाम चीजें हल कर देंगे। मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है, क्या इंसाफ किया गया? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने, क्या इंसाफ किया गया? 2014 में कुंडू की प्रोफेसर कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट ने भी यही कहा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट होता है 11 साल की उम्र में, जो बच्चा 11 साल की उम्र में स्कूल को जाना है, जो बच्चा 11 साल की उम्र में अगर स्कूल को नहीं जाएगा तो जिंदगी उसकी खराब हो जाती है। बताइए, सवाल मुसलमान हिंदू दलित का नहीं है, हिंदुस्तान में जितने लोग हैं जिनको अल्लाह ने औलाद दिया, हर वो माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा या बच्ची तालीम याफ्ता हो, वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल को जाकर पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। मगर कुंडू कमेटी की रिपोर्ट कहती है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि 11 साल की उम्र में मुसलमान और दलित के बच्चे स्कूल को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और क्यों छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं? उनके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भिजाने के लिए। बताओ, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी है या कम्युनिज्म की कामयाबी है? असदुद्दीन अवैसी की बात पर तुमको बड़ी नाराजगी होती है, बहुत गुस्सा आता है कि एक शख्स दाढ़ी और सर पे टोपी पहनकर इस तरह की बात करता है। मैं तुम्हारे सामने कुंडू कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी इस बात को तुम गलत साबित करो। और हम क्या देखते हैं कि तमिलनाडु नहीं, वामनबाड़ी नहीं, केरला नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां मुसलमानों की दलितों की बस्ती है वहां पर स्कूल नहीं मिलेगा, वहां पर दवाखाना नहीं मिलेगा, वहां पर पुलिस स्टेशन जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? हम पढ़ना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, पहले पुलिस स्टेशन खोल दो यहां पर। स्कूलों में हमारे बच्चे नहीं है मेरे भाई, कॉलेजेस में हमारे बच्चे नहीं है मेरे अजीज नौजवानों। सच्चर कमेटी कहती है कि 100 बच्चे अगर हिंदुस्तान में ग्रेजुएट होते हैं तो 3 मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। इसका जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है, मैं मानता हूं, मगर क्या पावर में बैठने वालों की जिम्मेदारी नहीं है? चीफ मिनिस्टर बनकर बैठने वालों की जिम्मेदारी नहीं है? प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठने वालों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? क्या हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 और 16 की बात नहीं करता है? क्या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 नहीं है? क्या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29-30 नहीं है? बताओ, क्या तुम भूल गए इन तमाम फंडामेंटल राइट्स को? 100 में से 3 बच्चे हमारे ग्रेजुएट होते, हम कहां पर बड़ी तादाद में? तो जेलों में सबसे ज्यादा हम हैं, तमिलनाडु के जेलों में हम ज्यादा हैं, हिंदुस्तान के पूरे जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान और दलित हैं। 14% अगर मुसलमानों की आबादी है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का सर्वे कहता है कितने मुसलमान जेलों में होंगे, 14% अगर 14% मुस्लिम्स जेल में है
तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 26-27% मुसलमान जेलों में। यह सेकुलरिज्म है आपका। मैं तो बदनाम हूं, मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी हूं, मानता हूं मैं सबसे खराब मैं हूं, मगर आप दूध के धुले हैं ना। तुम राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो, पे हमसे जुल्म क्यों कर रहे, हमको इंसाफ क्यों नहीं करते आप? मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूं, क्यों मेरा कलेजा जलता है, क्यों मेरी जबान में करवाहट है? तुम्हारी नाइंसाफी मेरी जबान में करवाहट पैदा कर दी। मैं करवाहट तो पसंद नहीं करता, मगर ये नाइंसाफी देखकर, इन नौजवानों की आंखों में आंसुओं को देखकर, अपनी माओं के पेशानियों पर बल को देखकर कि हर मां परेशान है अपने बच्चों के लिए, कोई मां अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डाल सकती, कोई मां अपने बच्चे को देखने के लिए तड़पती है क्योंकि उसका बच्चा दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में जेलों में सड़ रहा है। बताओ ये कौन करेगा फिर? आप सेकुलर है ना, मैं तो फिरका परस्त हूं, मैं तो सबसे खराब आदमी हूं, आप तो अच्छे हैं ना, तो फिर अच्छा करो, क्यों नहीं करते अच्छा आप? मगर नहीं, सबका अच्छा करेंगे और हमारा बुरा करेंगे। इनका अच्छा होगा, हमारा कभी अच्छा नहीं होगा। हमारा अच्छा कब होगा? जब हम एक पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे। हमारा इंसाफ कब होगा? जब तमिलनाडु की असेंबली में हमारा एमएलए जाकर बोलेगा कि मुझसे इंसाफ करो, मेरे बच्चों को स्कूल दो, वामनबाड़ी में मेरा कारोबार है चमड़े का, क्या पोल्यूशन यही होता? तमिलनाडु में पोल्यूशन नहीं होता क्या? पोल्यूशन। अरे पॉलिटिकल पोल्यूशन की बात करो, एनवायरमेंट पोल्यूशन पोल्यूशन की कब तक बात करोगे पॉलिटिशियन लोगों? पूरे दुनिया में पोल्यूशन, मगर नहीं वामनबाड़ी में पोल्यूशन। हम चमड़ा बनाते यहां पर, अपनी चमड़ी को घस के चमड़े को साफ करते ताकि दुनिया कपड़ा पहन सके, क्योंकि हम कारोबार में अच्छे हैं। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, सब है, मगर नहीं कुछ तो भी डालना बीच में ऑब्स्टकल है, स्पीड ब्रेकर, ऐसा करना था ये खराब हो रहा, वो पानी खराब हो रहा, क्या करना फिर हम? मेरे भाई ये हमारे मसाइल हैं, इसको हल अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी को मजबूत करिए। यकीनन आपके दिल में सवाल पैदा हो रहा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी मंजलिस अचानक इलेक्शन से पहले क्यों आए। मेरे भाई आपके दिल में अगर यह सवाल पैदा होता है तो वाजबी सवाल है, फेयर क्वेश्चन है, मगर एक बात याद रखिए, अगर मैं नहीं आता, हमारी पार्टी नहीं आती, अगर अखबार और वकील नहीं आते, तो आप बोलते तुम उस वक्त क्यों नहीं आए थे? हम कम से कम आपके सामने आ गए, हम कम से कम आपके दरमियान में आ गए, हम कम से कम आपके घर तक पहुंच चुके हैं। और मेरा मानना यह है कि वामनबाड़ी का आपका एक एक घर मेरा घर है, वामनबाड़ी का एक एक दरवाजा मेरा दरवाजा है, वामनबाड़ी का एक एक बच्चा मेरा भाई है, वामनबाड़ी की एक एक खातून मेरी माँ है, ये मेरे बुजुर्ग है। क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खून का नहीं होगा, मगर तुम्हारा और मेरा वो रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, वो कलमे का रिश्ता। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि ओएसी एक मर्तबा नहीं आएगा बल्कि बार बार आएगा, इतना यहां पर आएगा कि आप तंग हो जाएंगे, बोलेंगे इसको कोई दूसरा काम नहीं है, यहीं टपक रहा है इन्हें। मगर मैं आऊंगा मेरे भाई, मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अगर जिंदा रखा, अगर अल्लाह ने मुझे कुछ काबिलियत दी, तो यकीनन मुझे ये काम करना है, एक शऊर को बेदार करना है। हम डर डर कर खौफ की जिंदगी नहीं गुजार सकते मेरे भाई। आज हम बाबा साहेब अंबेडकर का नाम तो लेते हैं, मगर तमिलनाडु में एक दलित अपने मां और बाप की लाश को उठाकर रोड पे से नहीं जा सकता। बताओ ये कौन सा
खराज अकीदत हम पेश कर रहे हैं बाबा साहिब अंबेडकर को। जो लोग बाबा साहिब अंबेडकर का नाम लेते हैं, पूछो उन दलितों से, हमारे भाइयों से, जो अपने लोग जो दुनिया से चले जाते हैं उनके लाश को लेकर रोड पे से नहीं जाते। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पुलिस को उठाकर लेकर जाना पड़ा उसकी लाश को। और क्या गुनाह था, क्या जुर्म था कि वो दलित है। मेरे भाई समझो, मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि हकीकत पसंदी की आपके सामने बात कर रहा हूं। इस पर आप तमाम को गौर करने की जरूरत है। तमिलनाडु में 9% मुसलमान मुस्लिम माइनॉरिटी है। कितना बजट है आपका मालूम? आपको तमिलनाडु में 2015-16 में माइनॉरिटीज का बजट 116 करोड़ रुपए खाली। अगर बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटीज मिला लिए तो 764 करोड़ आता। आपको मालूम जिस स्टेट से मैं आता हूं तेलंगाना, जहां पर माइनॉरिटीज का बजट क्या है इस साल का, मुसलमान माइनॉरिटीज मिलाए तो 15-16% हो जाते, मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन मिलाए तो 1300 करोड़ बजट है तेलंगाना में माइनॉरिटीज का, जिसमें से अकाली बच्चों की स्कॉलरशिप के 350-400 करोड़ रुपए। यहां पर 106 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप का अमाउंट पूरे माइनॉरिटीज के लिए। ये ना इंसाफी नहीं है तो क्या है? ये अपॉर्चुनिज्म नहीं है तो क्या है? कौन इसको सही करेगा? तमिलनाडु के असेंबली में कोई एक आदमी को भेजाओ आप बहुत को वोट डाले ना, सब अकलमंदों को वोट डाले, सब जीनियस है, सब आइंस्टाइन है। एक मरतबा एक इमोशनल आदमी को तमिलनाडु के असेंबली में भेजाओ आप, जो जाकर आपकी बात करेगा, जो इनकी उनकी बात नहीं करेगा, आपकी बात करेगा, आपके दिल की बात करेगा। इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में याद रखिए, मुसलमान एक सोशल ग्रुप है, मुसलमान एक सोशल ग्रुप है, और इस सोशल ग्रुप को उठाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, हुकूक दिलाने के लिए, नौजवानों को उनका मुस्तकबिल अच्छा दिखाने के लिए जरूरी है कि कोई लड़ने वाला हो। बहुत हो गई चमचागिरी, अब चमचागिरी नहीं करना मेरे भाई। ये कब तक ये नहीं चलने वाला? आप बहुत हो चुका है, अब जागो, ये आपका मुस्तकबिल है, जागो, आपको उठना है मेरे भाई, ये जिद्दोजहद करना है आपको। और फिर हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, हिंदुस्तान की आवाम ने बीजेपी को कामयाब किया, 31% वोट हासिल किए और मिस्टर मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब वो स्पीचेस दे रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, बोलते थे मित्रों मित्रों हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, हम हर चीज करेंगे, ब्लैक मनी लाने की बात किए थे, बोले थे कि हर हिंदुस्तानी की आवाम के बैंक अकाउंट में 15 लाख होगा। 2 साल हो गए, 15 लाख को छोड़ो, 15 पैसे नहीं आए, और 9000 करोड़ लेके विजय माल्या लंदन भाग गया, कोई पूछने वाला नहीं है। मित्रों 9000 करोड़ लेके भाग गया उन्हें, आप भी फॉरेन टूर पे थे, उन्हें बोला मैं भी फॉरेन टूर पे जाते, 9000 करोड़ लेके उन्हें भाग गए उधर। अब पेनामा की फाइल्स आई, उसमें मालूम हो रहा कि बड़े बड़े एक्टरों के पैसे बाहर ममालिक में। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ना गरीब को खाने को खाना है, महंगाई बढ़ रही है, मगर पैसा बाहर जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आज आप देख लो, बीजेपी गवर्नमेंट से कोई खुश नहीं है, ना किसान खुश है, ना स्टूडेंट खुश है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा दलित भाई रोहित मेमुला को मजबूर कर दिया गया, वो अपनी जान ले लिया। रोहित वेमुला की मौत इंस्टीट्यूशनल मर्डर है,
किसने किया, किसकी गवर्नमेंट थी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित बच्चों को मारा गया, मैं गया था जाकर ठहरा उनके साथ। जेएनयू का वाकया हुआ, स्टूडेंट इनके साथ नहीं है, स्टूडेंट इनसे नाराज है। ज्वेलर्स इनके साथ नहीं है, वो ज्वेलरी शॉप बंद है, 1% एक्साइज ड्यूटी लगा दिए, आज ज्वेलरी के ओनर्स परेशान है, हिंदुस्तान की आवाम परेशान है महंगाई से, बीजेपी से परेशान है। और बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है तो बीजेपी बोल दी नेशनलिज्म का डिबेट स्टार्ट कर दिए। नेशनलिज्म का डिबेट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बताओ हिंदुस्तान का नेशनलिज्म डिफाइन करो हमको, कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया ऑफ इंडिया क्या है बताओ मेरे को। हिंदुस्तान की रूह, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का इतिहास, उसका प्लूरलिज्म, उसका सेकुलरिज्म है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आज असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ठीक है बोलो आप, मेरे को परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे बातें सुन सुनकर खुश होता हूं, तुम जितनी गालियां देंगे मेरे को और खुशी होती, और गाली दो जो बोलना है बोलो आप, मगर हमको ये बताओ दादरी में क्या हुआ। दादरी दिल्ली कैपिटल से 35 किलोमीटर दूर, दादरी में अखलाक को सिर्फ गोश, शक की बुनियाद पर कि उसके पास बीफ का मीट है, काउ का मीट है, वहां पर लोग मार दिए। मैं गया था दादरी को, अखलाक की मां से मेरी मुलाकात हुई, वो जईफ मां, मैं क्या बताऊं आपको मेरे भाई, जो मां 75 साल की 75 ईयर ओल्ड वुमेन है, जो ये सोच रही होगी कि मैं जब मरूंगी तो मेरा बेटा मेरे को कब्रस्तान लेकर जाएगा, आज उस मां की आंखों के सामने उसके बेटे को मार मार कर हलाक कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, अखलाक को मार दिया गया। झारखंड लातेहार मेहमानों को जो चरवाहे थे, कैटिल का ट्रेड करते थे, काऊ का नहीं, जंगल में जाकर बजरंग दल के लोग, एफआईआर की बात कर रहा हूं, एफआईआर में लिखा गया जो लोग पकड़े गए उसमें बजरंग दल के लोग हैं, जिन्होंने उसमें 12 साल का बच्चा था, उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसका गला दबाकर उसको झाड़ पर टंगा दिया। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते, कॉन्फ्रेंस करे दिल्ली में तो बहुत तारीफ करे इस्लाम की, बहुत अच्छा है, मगर ये तो बताइए कि फिर इन जानों की हिफाजत कौन करेगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सिर्फ बीजेपी के संघ परिवार के नहीं है, आप हिंदुस्तान के गयूर अवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको रिएक्ट करना चाहिए था, मगर प्राइम मिनिस्टर ने अब तक कुछ नहीं कहा। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मगर कहां सबका साथ सबका विकास। बीजेपी के लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली बुक फॉर अस, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली बुक फॉर यू, फिर क्यों हुआ झारखंड का वाकया। मेरे भाई मेरे अजीज दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म करना चाहते हैं, जामे मिलिया इस्लामिया का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म करना चाहते हैं, ये दो यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ मुसलमानों के जहां पर पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया में, मगर उसको भी छीनना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने घर में एक फंक्शन करके तकरीर करके बोले थे कि कुरान में इतने मर्तबा इल्म का जिक्र किया गया, अगर आप जानते हैं तो फिर आप हमको इल्म से क्यों महरूम करना चाहते हैं, क्यों हमको नॉलेज से दूर करना चाहते हैं आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर फिक्र करना है, मैं बताना यह चाह रहा हूं, मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि आप अपनी आवाज को मजबूत करो, आप अपनी पार्टी को मजबूत करो। कोई ये कहेगा कि एक एमएलए जाएगा तो क्या होगा, मेरे भाई जो लोग बोलते हैं एक जाएगा, वकील जाएगा या कोई और जाएगा तो क्या होगा, हिंदुस्तान की लोकसभा में 542 मेंबर्स है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी एक ही है,
और इनका खाना हजम नहीं होता जब तक मेरे को गाली नहीं दिए, मेरा नाम नहीं लिए। ये रात में सोते नहीं जब तक मेरे को मेरे बारे में कुछ नहीं बोले। एक काफी है, एक मर्द सौ पे भारी पड़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करो, हिंदुस्तान के सकल अजम को मजबूत करो, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को मजबूत करो। मेरे भाई जागो जागो, आज जरूरत है दलित और मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनाने की, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वरना याद रखो, ये लोग आज नेशनलिज्म के डिबेट में हम तमाम को पीछे करना चाहते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुम स्लोगन लगाओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 6000 कास्ट अगर है तो 6000 कास्ट किसने बनाया, फिर बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? 6000 कास्ट है हिंदुस्तान में, कौन बनाया ये, कौन जिम्मेदार है इसका? जवाब है तुम्हारा, कोई जवाब इनके पास नहीं है, मगर बोलेंगे ओवैसी ऐसा बोला, ओवैसी ऐसा बोला। हां, मैं हक बात बोलने का आदी हूं, मुझे बीमारी है सच्चाई बयान करने की, मैं क्या करूं, मैं सच बात बयान करते रहूंगा। कोई कहेगा कि तलवार से मार देगा, कोई कहेगा ऐसा कर देगा, मेरे भाई याद रखो, मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं, मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं, याद रखो इस बात को। इसलिए कि दुनिया में जो आया उसको जाना पड़ेगा, जो आया उसको जाना पड़ेगा, कोई जिंदा नहीं रहने वाला यहां पर। अलेक्जेंडर आया तो अलेक्जेंडर जाना पड़ा, ऊपर जमीन में जाना पड़ा, तो सऊदी अवैसी भी जमीन में जाएगा एक दिन। मेरे को डर इस बात का है कि जमीन में जाने के बाद जब सवाल हिसाब किताब होगा तो उसका डर है मेरे को, मौत का डर नहीं है। मौत पर जाना है, एक दिन मरक है, ये लोग नहीं जानते, बच्चे हैं ये लोग, बच्चे हैं। इनके लिए दुनिया ही सब चीज है, मेरे लिए दुनिया सब चीज नहीं है, मेरे लिए आखिरत का सफर भी बाकी है, वो लंबा सफर है। यू समझते इसको कर देंगे, कर दो, कौन रोक रहे आपके, मैं मुर्गी का बच्चा हूं, बकरी हूं, काट दो मेरे को, क्या करते, आपका प्रोफेशन वही होगा। ऐसा दिख रहा कि आईसिस की आइडियोलॉजी इनकी हो गई। अब मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमको मुत्तहिद होकर अपने मसाइल को हल करने की जरूरत है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे, ना है, ना रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई जस्टिस की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, और हम के हमसे बातचीत करना चाहता है तो हम करने तैयार हैं। मगर आप हमको इस तरह से बात मत करो कि आप ये कहेंगे कि तू छोटा है मैं बड़ा हूं। नहीं मेरे भाई, कोई बड़ा नहीं हो सकता, सब बराबर हो सकते। अब बड़े छोटे की बात हम नहीं सुनने तैयार हैं। 70 साल हो चुके हैं यही कह कहकर, ये गुलामी की शराब पिला पिला कर हमको कमजोर कर दिया गया कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, हमारे साथ आओ। हमको ये गुलामी की शराब पिला पिला कर, डरा डरा कर हमको कमजोर कर दिया गया कि हम तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा करेंगे। अरे तुम नहीं कर सकते मेरा मुस्तकबिल अच्छा। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, सोच दी है, फिक्र दी है कि हम अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं, मगर हमको कॉन्फिडेंस पैदा करना है अपने आप में। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अजूबी बात या स्ट्रेंज बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाइए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आने वाले इलेक्शन में MIM पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी, इनका साथ दीजिए। यकीनन जहां पर हमारे कैंडिडेट्स नहीं होंगे, वहां पर अपने भाई को या अपनी बहन को कामयाब करिए, या फिर कोई और अच्छी पार्टी होगी तो उसको कामयाब करिए। मैं आपके सामने ओपनली कह रहा हूं, मगर मैं आपसे यह भी कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं कि एक मौका हमको भी दीजिए, आप अपनी पार्टी को भी कामयाब करिए। आप कब तक आप ये कांग्रेस, ये दोनों रिमीडियन पार्टीज का आपने साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया,
बताइए क्या हासिल हुआ हमको? कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म नेशनलिज्म की बात कर दी और महाराष्ट्र के असेंबली में हमारे एमएलए को सस्पेंड कराती है। इनका सॉफ्ट हिंदुत्व, उनका हार्ड हिंदुत्व, ये सॉफ्ट और हार्ड में हम परेशान हो जा रहे हैं। वी आर कॉट बिटवीन द रॉक, बोलते ना, वो हाल हमारा हो चुका है। ये लोग हमको होस्टेज बनाकर रखना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारा अगर अच्छा होगा तो हम कर सकते हैं। जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए कौन थे? जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया कौन थे पावर में? कितनी बातें आपके सामने बयान करूं मेरे भाई। लोग बोलते पीसफुल है, यकीनन पीसफुल है, मगर याद रखो वो पीस नहीं हो सकता जब नौजवानों को, मुसलमान दलित को उनके राइट्स नहीं मिल सकते। वो पीस नहीं हो सकता। पीस कब होगा? जब दलित और मुस्लिम को उनका राइट्स मिलेंगे। कौन से राइट्स? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको दिया। ये लोग नहीं दिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको दिया। ये लोग क्या देने थे? इनके पास देने को कुछ नहीं है, खाली खाने को होना इनको। ऐसा भी छीन लेना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, यही चंद अहम बातें मुझे आप तक पहुंचाना था। यह पहला जलसा है वामनबाड़ी में, इसीलिए ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी तिश्नगी बरकरार रखना नेक्स्ट टाइम के लिए जरा रखता हूं उठा के। नेक्स्ट टाइम आए तो और बोलूंगा, बार बार आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। यही चंद बातें मुझसे आप तक पहुंचाना था। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपसे दुआ करता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करिए कि अल्लाह मेरे हौसले और अजम में और इखलास पैदा करे, अल्लाह मेरे दिल से वहन को निकाल दे, और अल्लाह आपकी जमात, हमारी जमात, हमारी आवाज को मजबूत करे। मैं आपके साथ नारा लगाऊंगा, आप एक नारा लगाइए, जय हिंद जय हिंद। वाखर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।